आईटी में, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट हो रहा है। आप आईटी में होकर मतलब आपने जॉब क्विट कर दी, तो मतलब मतलब कभी कभी हम लोग खुद मोटिवेट रहते हैं आपके वीडियो ट्रेनिंग में देखकर। सो ईगो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया, ठीक है। अब जब तक ये ढक्कन नहीं खुलेगा ना यार, अंदर घुस जाएंगे। और ये क्वालिटीज थी हमें, इसलिए हम 14 साल नौकरी से निकाल गए, क्योंकि हम सुनने को हम कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, मैनेजर लेवल पे हमें तू बताएगा कि ईगो तो पता ही है यार, ठीक है। तो हम ढक्कन बंद करके रहते थे, लेकिन जब ये भारी पड़ा ना, क्योंकि 14 साल निकल गए, ये जिस हिसाब से बढ़ रही थी ना, ये नहीं बढ़ रही थी, तो इसलिए प्लान बी की ज़रूरत पड़ने लगी ज़िंदगी में। अब जब प्लान बी की नीड्स पड़ने लग गई, ज़रूरत पड़ने लगी, तो ये खुलने लगा कि यार कुछ और देखते हैं, तो ओपन माइंड हुए। जब मेरा फ्रेंड ऑलरेडी इस बिज़नेस में तो कर रहा था, उसने बोला सर एक अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं कर रहा हूँ, अच्छा रिटर्न आ रहा है, इफ़ यू आर सीरियस फॉर प्लान बी तो मिल सकते। मैंने कहा भाई ना यार, अगर तुझे आ रहा है तू कर रहा है तो मिलते हैं ना यार। अक्रम दुबई में बैठा, हम यहाँ बैठे। मैंने बोला अक्रम यार हमको आ रहा है तू करना है, दुबई में बैठे बैठे आईडी लगा नहीं लगा, बिकॉज ही ऑल्सो नीड्स मनी ना। हम इससे बाहर आके ना यार इसको बढ़ाने का सोचा, जिस दिन हमने इसको बढ़ाने का सोचा ना, ये छोटा हो गया। आज तक 4 साल पहले मैं इसको नहीं बढ़ा रहा, जिस दिन इसको बढ़ाया ये छोटा, खत्म नहीं हुआ, खत्म कभी हो भी नहीं सकता ये, लेकिन छोटा हो गया। आज ये भारी नहीं लगता क्योंकि ये बढ़ गया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मतलब क्या टाइम लेके बढ़ाना है? इनकम है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इनकम ऑब्वियस ही बात है, टाइम कहीं देंगे तो बढ़ेगी ना, वो कैसे बढ़ेगी वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम तो यार लिमिटेड है ना हमारे पास भाई। एक आदमी दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे क्या काम कर सकता है? नहीं, 8 से 10 घंटे या 12 घंटे तो करता है। यहाँ पे कैसे पॉसिबल है वो मैं समझाऊँगा। और पुअर क्लास में इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये लोग ना लाइफ टाइम एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब है जैसे आप जॉब में हो, कल से जाना बंद कर दो सैलरी आएगा क्या? शॉप वाला शटर बंद कर दे गले में पैसा आएगा क्या? लॉजिकली बात यार, बाहर रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, मैं जॉब में जाके पैसा कमा रहा, वो कल से रिक्शा चलाना बंद कर दे मैं जॉब में जाना बंद कर दूँ, दोनों के हालात कैसे हैं? काई की मिडिल क्लास, ये तो मिथ है एक जो हमने ओढ़ रखा है। घरों में फोटो फ्रेम नहीं होते उसकी लाइफ है हम लोगों की। फोटो फ्रेम है ना, कपड़ा बाहर से मारते हो, अभी पीछे जा कर देखना क्यों जा रहे हैं हम लोगों की लाइफ। बाहर से तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन लिए बढ़िया, अंदर तो सदा ये है तूफान आ रखा है यार, मतलब जिंदगी हिल जाए रात को, अगर मतलब सोने से पहले क्वार्टर ना मिले तो आदमी नींद नहीं आ रही आज के टाइम पर। काय के मिडिल क्लास रिच लोग कौन है? जो पैसिव इनकम में काम करते हैं, जो सोते भी हैं तो पैसा जनरेट होगा, तो जिन्होंने सिस्टम बना दिया वो रहे या ना रहे पैसा बाय डिफॉल्ट है। मुझे बताया गया सौरभ जी, जब मैं 4 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी को देखा था, तो मुझे बताया गया सौरभ जी आप ई एस से बी में आ सकते हो 3 से 5 साल के अंदर, 0 लाइबिलिटी पे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। मैंने 3 से 5 साल के अंदर 0 लाइबिलिटी पे ई एस से बी में। मैंने कहा अगर ऐसा हो जाए तो मेरी लाइफ आपकी, क्योंकि मुझे तो अभी यही पता है, हमें तो यही पता था या तो जॉब से पैसा कमाते हैं या शॉप से पैसा कमाते हैं। हमें शुरू से यही सिखाया गया, पढ़ो लिखो अच्छी जगह नौकरी करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, कुछ भी बनो, लेकिन करो नौकरी। कभी सुना ही नहीं कि किसी कंपनी के मालिक बनो पढ़ लिख के, तो जो इनपुट जा रहा था आउटपुट वैसा ही आ रहा था, जितना इनपुट वॉट दे रहे थे हम उसके हिसाब से रिजल्ट दे रहे थे। किसी के पेरेंट्स ने बोला डॉक्टर बन जाओ तो डॉक्टर के हिसाब से नौकर बना, किसी के पेरेंट्स ने बोला इंजीनियर बन जाओ तो इंजीनियर के हिसाब से नौकर बना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पेरेंट्स में प्रॉब्लम है यार, हमारा एक्चुअली में जो, अगर मैं बात करूँ ना, हमारे यहाँ पे एजुकेशन का जो बेस है वो सिर्फ और सिर्फ नौकर पैदा करता है। हमें पढ़ाया ही इसीलिए जाता है कि आप कल को अच्छे नौकर बनो। एक 8 से 10 हज़ार वाली तनख्वाह वाला आदमी कहता है सर मैं नौकरी करता हूँ, एक 2 लाख रुपए वाला आदमी कहता है सर मैं जॉब करता हूँ। फर्क वही है, नौकर और जॉब अंतर उतना ही है। कहने में शर्म करता है क्योंकि वो कह नहीं सकता,
हम कहने में हम कहते थे हम कॉर्पोरेट में मैनेजर हैं, जॉब में हैं। एक हमारी टीम में सुमन शर्मा जी हैं मेरी टीम में, आज वो कंपनी में टॉपेज रैंक पे हैं, वो शाही एक्सपोर्ट में छोटे लेवल पर थे। वो कहते थे साहब हम नौकरी करते हैं, मैं जॉब कहता था। अरे फ़र्क क्या है, वो भी नौकरी मैं भी नौकरी। हाँ ये तो है, वो ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखे इसलिए जॉब हो गया है, हम थोड़ा ज़्यादा थे बस, हम इसलिए खत्म, और तो कुछ था ही नहीं। तो मैं आपको जो अपॉर्चुनिटी आगे बता रहा हूँ ना, वो एक्टिव टू पैसिव की। एक्टिव आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हो, उस पर मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ना ही आपको मैं कर रहा हूँ। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ पैसिव अर्निंग, ठीक है ना। और पैसिव अर्निंग मेरे पास नहीं है इसलिए मैं जॉब में था, जैसे तू जॉब में है, ठीक है ना। हमें जब बताया गया कि आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो, अच्छा जो मुझे बता रहे थे वो ऑलरेडी यहाँ थे, तो मैंने कहा आप भी बता सकते हो, क्योंकि मारुति वाला तो नहीं बताएगा मर्सिडीज़ कैसे आती है, मर्सिडीज़ वाला ही बताएगा मर्सिडीज़ कैसे आती है। मैंने कहा आप ऑलरेडी कौन है? तो उन्होंने जब हमारे को बताया तो हमने कहा ठीक है सर आप ही बताओ फिर कैसे हो सकता है। और उन्होंने हमारे को सारी गाइडेंस दी जैसे सुरजीत ने प्लान समझाया था। तो मैं आपको जो आगे लेके जा रहा हूँ ना, वो यहाँ से यहाँ का रास्ता है, ये आप ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है ना। डिसीजन आपका होता है कि आप यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, क्योंकि हमने तो ज़िंदगी यही देखी है। मेरे फादर भी यहीं थे, मेरे ग्रैंडफादर भी यहीं थे, हम सब यहीं थे। नेस्वीज के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू हमें यहाँ आने का मौका मिल गया। और अच्छी बात बताऊँ, यहाँ से यहाँ आ सकते हो, लेकिन यहाँ से यहाँ की वापसी नहीं है कभी। आप यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ तो रहोगे रहोगे, ये बड़ी बात है यहाँ पे, इसलिए हमें इंडस्ट्री क्लिक करनी है, क्योंकि आप यहाँ से वापस नहीं जा सकते। यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे बड़ी बात बताऊँ, पैसा तो देखो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपका माइंडसेट क्या बन जाता है ना, वो बड़ी बात है। आप इंसान क्या बन जाते हैं वो बड़ी बात है। यार सिंपल सी बात है, देखो लॉजिकली बताता हूँ। आदमी अगर आज जो भी कमा रहा है, या आप जो भी कमा रहे हो, सकता है यार काबिलियत 5 लाख की हो लेकिन कमा 50,000 रहे हो। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है? काबिलियत में नहीं है, प्रॉब्लम सोच में। सोच 5 लाख की नहीं रखी हुई ना, सोच 50,000 की रखी है, इसलिए 50,000 है। जिस दिन सोच बढ़ा दोगे पैसा बढ़ जाएगा। आपको यहाँ से घर जाना है, माइंड में रखा घर जाना है, तो घर ही जाओगे ना, सीपी की तरफ तो नहीं जाओगे ना, नजफगढ़ की तरफ ही जाओगे ना। तो ये कमांड है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड है ना हमारा, सबसे बड़ी पावर है यार। संडे के दिन 6 बजे नींद नहीं खुलेगा, ऑफिस नहीं जाना, लेकिन मंडे के दिन 6 बजे क्या 4 बजे भी खुल जाएगी, ऑफिस जाना यार 6 बजे। प्रॉब्लम सर अपने आप ही खुल जाएगा यार, नींद जगा देगी सबकॉन्शियस माइंड। तो हम लोगों ने 14 साल तक जो अपने को जॉब में रखा, वो प्रॉब्लम हमारे एक्चुअली में माइंडसेट में था, कि हमने सोचा ही नहीं कि हम लोगों को, अगर मेरे को 18 लाख का पैकेज आ रहा था तो मैंने कभी सोचा ही नहीं यार मुझे 30 लाख भी आएंगे महीने साल में, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे 40 लाख भी आएंगे। हम तो ट्रेन में चल रहे थे, वो लेके चले आ रही थी, माइंडसेट ही नहीं था हमें कभी कोई। जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो त्रिवेश जी ने मुझे बोला सौरभ जी आप इस बिज़नेस से 3 लाख रुपये महीना भी कमा सकते हो, 5 लाख भी कमा सकते हो। मुझे तो नहीं लगता, रीज़न क्या था, हमारी सोच ही नहीं थी। फिर बाद में जब हम उनके साथ बैठे, उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा अगर ये कमा सकता तो मैं क्यों नहीं कमा सकता यार। समझाना नहीं है, समझना ही तो है। हाँ पहले समझना है फिर उसके बाद अपने को सेट कर लिया तो फिर तो यार, अगर मैंने सोच लिया मुझे 3 लाख कमाना तो मैं क्यों नहीं कमाऊंगा, ये आपको खुद बताएगा कैसे कमाने। तो ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे कमाना कैसे? अब हम लोग जो है 3 सेक्टर में डील करते हैं, ठीक है। 1 इज अपैरल, 2 इज इलेक्ट्रिकल, एंड 3 इज FMCG। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ना उसका मार्केट देखना पड़ेगा, उसका मार्केट कितना है। जब इस बिजनेस में मैं आया तो मुझे 95% का मार्केट मिला, मतलब 95% आदमी आज कपड़े के बिना भी नहीं रह सकता, कोई भी घर बिना इलेक्ट्रिकल के है नहीं, और कोई भी घर FMCG के बिना चलता नहीं। तो मुझे एक बात समझ आ गई, मेरा धंधा कहीं भी होगा। मैकडोनल्ड को जानते हो? इस पे एक रिपोर्ट पढ़ा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम आया था जिसमें लिखा था कि मैकडोनल्ड का जो बर्गर खाने वालों की मार्केट है ऑल ओवर द वर्ल्ड 4% की है,
मतलब इस दुनिया में 4% आदमी है जो मैकडॉनल्ड का बर्गर खा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, फिर भी ये फूड इंडस्ट्री का नंबर वन ब्रांड है। रीज़न बता सकते हो क्या है इसके 20 रुपये का? रुपये में ऐसी क्या पावर है जो ब्रेकफास्ट में काम नहीं आता, लंच में काम नहीं आता, डिनर में काम नहीं आता, लेकिन फिर भी फूड इंडस्ट्री का नंबर वन ब्रांड ठीक है? ओके प्लस मतलब जो मतलब जो फैल गया ना जिस तरीके से करीब आ रहे हो मतलब एक से एक एक दूसरे से एक से दूसरे के बाद जैसे पता लगा वैसे बोला करेक्ट लैंग्वेज में बोलूं तो इसमें क्या लिखा था कि मैकडॉनल्ड हैज अ नेटवर्क 18,000 आउटलेट है, एक बर्गर एक मिनट में 18,000 बार बिक रहा है, दैट्स इट। नेटवर्क मींस इसने जो फ्रेंचाइजीज वगैरह दी हैं वो एब्सोल्युटली। सर फोन बज रहा है, अट्ठारह हज़ार आउटलेट एक बर्गर, ऑब्वियस ही बात है भाई 18,000 आउटलेट, अगर एक मिनट में भाई एक घंटे एक दिन में अगर हम बात करें 8 घंटे शोरूम को मैकडॉनल्ड का आउटलेट 100 बर्गर भी बिकते तो 18,000 में मल्टीप्लाई बाय कितने हो गए 100, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100, अगर एक बर्गर भी एक दिन में बिक रहा है तो कितने बिक गए 18,000 बिक गए। अब अगर 4% पे ये नंबर वन बन सकता है तो 95% पे हम क्या कर देंगे? ये सबसे पहला रीज़न है हमारी सक्सेस का, क्योंकि रेवेन्यू तो यहीं से आएगा ना यार, और ये हमारे पास ओपन थी और कॉन्सेप्ट हमें ये मिल गया, इसलिए हम 14 साल को रिप्लेस कर गए 3 साल में। क्लियर हुआ? 3 रीज़न बताऊंगा सक्सेस के, ठीक है ना? पहला रीज़न ये है कि हमारे को मार्केट ओपन मिल गई और कॉन्सेप्ट हमें ये मिल गया। अब इसमें जो हम डील करते हैं अपैरल में, प्रोडक्ट मेरे ख्याल से तुम देखे भी थे, मेंस वेयर में डील कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? वुमेंस वेयर भी है, मेंस वेयर भी है, लेकिन मेंस वेयर है तो मेंस वेयर की बात करते हैं। ग्रेसिम ने हमारे साथ टाइप कर रखा है, हमारा एक प्रोडक्ट आता है मेंस सूट, ऑन एन एवरेज अगर बात करूँ तो एक ब्रांडेड सूट किसी भी शोरूम पर 10 से 15 हज़ार में मिलता है। हमारी कंपनी ग्रेसिम के 2 मेंस सूट दे रही है 1,570 रेडीमेड। एक प्रोडक्ट आता है हमारा 3 ट्राउजर 3 शर्ट 14720 अरविंद मिल ने हमारे साथ टाइप कर ट्राउजर 3 शर्ट जो लेके गया था FMCG में आ जाए तो हम लोग 34 नेचुरल प्रोडक्ट में डील करते हैं। 8590 का किट आता है जिसमें अप टू बॉटम शैम्पू से लेकर फुट क्रीम सब कुछ है। वैदिक कंपनियां जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इलेक्ट्रिकल में आ जाए तो फूड प्रोसेसर में डील करते हैं 8990 में एक प्रोडक्ट। इसमें और भी रेंजेस हैं शोरूम पे देखिए, तो ये कुछ सेक्टर और प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम डील करते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस का कि बिजनेस कैसे होगा, क्योंकि हम बिजनेस के लिए बैठे हैं, इसके लिए नहीं बैठे, ठीक है ना, कि पैसा कैसे कमाया जाए। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ पूरी दुनिया में बिजनेस तीन तरीके से, कोई भी बिजनेस, एक तो है तरीका ट्रेडिशनल शॉप वाला जिसके अंदर आदमी का पैसा लगता है, टाइम लगता है और नॉलेज लगता है। एक हो गया ऑनलाइन बिजनेस भी आ गए जिसके अंदर पैसा लग रहा है, टाइम लग रहा है और नॉलेज लग रही है। एक हो गया नेटवर्किंग जिसके अंदर टाइम लगता है और नॉलेज लगती है, इसके अंदर कैपिटल नहीं लगता, इसलिए यहाँ रिस्क जीरो है, इसलिए हम इस इंडस्ट्री में आ गए, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में आ गया। क्यों? 2 एडवांटेज थे, एक तो यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, दूसरा एडवांटेज ये मिला कि मैं इसको अपनी जॉब के साथ साथ कर सकता हूँ,
ये दो एडवांटेज हमें समझ आए और हम इस इंडस्ट्री में आ गए. और आज मैं ही नहीं, मेरे ऐसे लाखों लोग इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं. आपको यहाँ पे जॉब वाला पर्सन भी दिखेगा, आपको यहाँ पे शॉप वाला पर्सन भी दिखेगा, आपको यहाँ पे बिजनेसमैन भी दिखेंगे, आपको यहाँ इन्वेस्टर्स भी दिखेंगे, या हाउसवाइफ भी दिखेंगी, प्रोफेशनल्स भी दिखेंगे, स्टूडेंट्स भी दिखेंगे, कि सब लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं. रीज़न यही है. पहला तो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आज हर आदमी की नीड बन चुका है प्लान भी. आज से अगर 15-20 साल पहले की बात करें तो प्लान भी हर किसी की नीड नहीं था. तो ये एक फैशन माना जाता था, फलाने आदमी के 2-3 काम हैं, बड़े बड़े काम हैं, लेकिन आज इट्स बिकम नीड. अगर कोई आदमी अपने प्लान ए पे जिंदा है ना, वो बहुत बड़ा तुरंत हो गया. नहीं तो आज हर आदमी की बेसिक नीड है. क्यों, मैंने आपको एक डेटा बताया था, ये आप देख रहे हो ना, इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रही. हर एक साल, हर 20 साल के बाद जीरो बढ़ रही है. नीड तो बनेगा ना, इस वजह से सब लोग इस इंडस्ट्री में आ गए. क्यों, क्योंकि यहाँ ना लागत नहीं है. हर आदमी छोटे पैसे में बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और आज खाली बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहा, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा. हम सोच भी नहीं सकते थे यार नौकरी के अलावा हमारी ज़िंदगी होगी कुछ. कभी हमने थोड़ी सोचा था 14 साल नौकरी बिताने के बाद इस एज में हम कोई जीरो से फिर चीज़ स्टार्ट करेंगे. लेकिन हम ब्लेस्ड हैं कि इस इंडस्ट्री में हम आ गए. चांस की बात है, ये इंडस्ट्री हमें देखने का मौका मिला. चॉइस से कोई नहीं आता, चॉइस से कौन आएगा, ये चॉइस से नहीं आए, सर चॉइस से नहीं आए, हम चॉइस से नहीं आए, चांस ही तो आए. चॉइस से तो हम ये समझते थे ये तो मेंबर बनाने का काम है. चॉइस से तो हम, अगर मेरे को मेरे दोस्त ने ये बोला होता ना फोन पे, भाई ये मेंबर बनाने का काम है, कभी नहीं मिलता यार उसने. चांस, क्योंकि हम लोग बैठे हैं आज, अगर मैं बात करूँ ना, आज इंडस्ट्रियल एज में नहीं बैठे हैं, टेक्नोलॉजी एज में हम लोगों की. लेकिन माइंडसेट जो है ना वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है. मैंने कभी इस इंडस्ट्री में काम थोड़ी किया था, सुना था यार वो मेंबर फलानी कंपनियाँ होती हैं वैसे जोड़ती हैं भाग जाती हैं, ये इन्फॉर्मेशन है. तो इन्फॉर्मेशन से क्या मेरी परसेप्शन बन गई थी कि यार ये बेकार कर रहा हूँ. लेकिन जिस दिन मैं बैठा, नॉलेज ली, तब मेरे को समझ आया कि नहीं यार ये तो अपने आप में बड़ी इंडस्ट्री है. अगर मैंने नहीं समझा तो मैं तो बहुत पीछे रह जाऊँगा. हम तो कोलू के बैल की ज़िंदगी जी रहे थे 14 साल से, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसके बाहर क्या चल रहा है मैं पता ही नहीं था. लेकिन इन्फॉर्मेशन थी, उससे हम लोग परसेप्शन बनाते थे. दुनिया अगर कहीं सक्सेस भी हो रही होती ना, अरे अंधकार. लेकिन हम बैठे बैठे परसेप्शन ही चाहिए. क्यों, ये बताया था ना, ढक्कन बंद कर रखे थे हमने. जिस दिन ढक्कन खुले उस दिन संभाल कर गए. अब ये इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है, ये इंडस्ट्री वर्क करती है टोटली और टोटली वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ. मैं समझाता हूँ, मैं आपसे पूछूँ, किसी भी चीज़ को रेफर करना आसान है या सेल करना आसान है? रेफर करना. मुझे तो एक पेन पड़ा है क्या, जल्दी रख. मेरे को भी आसान लगा, मैंने कहा यार मतलब आज हम ये पावर ना, ये बहुत बड़ी पावर है. और ये अच्छी बात बताऊं, ये मेरे पास भी है, ये आपके पास भी है, इनके पास भी है, इनके पास भी है, इनके पास भी है, ये इस पूरी दुनिया में सबके पास है. लेकिन प्रॉब्लम बता देता हूँ इस पावर का, इस पावर का यूज हमने जिंदगी में हमेशा दूसरे को बढ़ाने का, अपने लिए कभी नहीं. यार इसको लेना है ये देख ले, वो उसको भेज देता है, वो अपना कमीशन ले लेता है या कुछ यार बहुत आज. अच्छा स्विगी, स्विगी जानते हो, हर आदमी क्या कर रहा है भाई, स्विगी से ले. इसको जानते हो, ओला कैब एक एप्लीकेशन है यार. इस आज इस एप्लीकेशन पे मतलब मैं आपको बताऊं तो इस एप्लीकेशन ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर धमाल मचा दिया. और एक एप्लीकेशन ही तो है, करोड़ों रुपए का बिजनेस चल रहा है इसमें. क्या है, आप डाउनलोड करो, आपको एक प्रोमो कोड मिलता है या वन आपको राइड फ्री मिलती है. अब अगर वो प्रोमो कोड आपने अपने मोबाइल में से मुझे रेफ़र कर दिया तो आई विल गेट द सेम बेनिफिट. लेकिन ओला कैब को पता क्या मिल गया, ओला कैब को आपके मोबाइल में से मेरा नंबर.
मैं वो नेटवर्क रजौरी हूँ, मैं आता हूँ रजौरी हूँ। अब अगर वो प्रोमो कोड 100 लोगों में बट गया तो ओला कैब को बैठे बैठे क्या मिल गए? अब उसमें से 50 लोग भी यूजर मिल गए तो यार उसको बिजनेस हो गया नहीं हो गया? अच्छा उसका बिजनेस कराया किसने एक्चुअली में? हमने। ये क्या है यार, यही तो है, अपने गली मोहल्ले के डॉक्टर को बिजनेस कौन कराता है? हम ही कराते हैं, वो अच्छा डॉक्टर है, सुना चला। गली मोहल्ले के रेस्टोरेंट को कौन चला रहा है? हम ही चला रहे हैं। हलवाई को कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं। सर बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, उबर, बॉलीवुड इंडस्ट्री यार सबसे बड़ा एग्जाम्पल, पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इसी पे चलती है। मूवी अच्छी आती है तो कहते तू भी देख कर, खराब आती है तो कहते मत जाइए, रातों रात वही स्टार ऊपर से नीचे आ जाता है। कौन बना रहा है? हम लोग ही तो बना रहे हैं। जब इतनी बड़ी पावर हमारे पास है तो हमारे को उसका यूज़ करना नहीं आता था यार। और आज ये जो 4% लोग हैं ना, ये इसी पावर पे इस दुनिया के किंग बने हुए हैं, लेकिन यूज पता है किसकी करते हैं? हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को अपनी पावर का यूज इनको बढ़ाने के लिए करना आता है, अपने को बढ़ाने के लिए नहीं करना आता। अपने को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं करना आता? क्योंकि हमारा माइंडसेट नहीं है। हमको पैसा कमाना आता है लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरे को बढ़ाने के लिए। इनको एक्चुअली में कमाना होता है। दे नो हाउ टू अर्न मनी, वी नो हाउ टू मेक मनी फॉर अदर्स। प्रॉब्लम यही है क्योंकि हमें सिखाया यही गया है कि बेटा तू उसको बढ़ा, अपने लिए तो वेतन ले, तो उसकी दिवाली मना, अपने लिए तो मिठाई के डब्बे से भी काम चल जाएगा। यही होता है ना यार जॉब में, और तो कुछ नहीं है ना, जिंदगी इस पे ही तो खत्म है। लोन पे घर, लोन पे कार, लोन पे बच्चों की शादी, इससे ज्यादा बड़ा कौन सी जिंदगी में हो रहा है? अच्छा मुझे आप क्लियरली बताओ, क्या आप जो आज काम कर रहे हो उसको अगले 10 साल करते रहोगे तो जो आज रिजल्ट आ रहा है उसमें कुछ फर्क आएगा या नहीं आएगा? आएगा, बस इतना नहीं। मेरे हिसाब से पता है नहीं आएगा, रीजन बताता हूँ। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना यार, तो जहाँ थे ना आप 10 साल बाद भी वहीं रहोगे। इसलिए ये बड़ी चीज है। कैसे? अच्छा इस पावर को मैंने कैसे यूज़ किया? मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मैंने लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। भाई शेयर करने से कोई चीज़ बढ़ेगी या घटेगी? कुछ नहीं बढ़ेगी। अच्छा किन लोगों के साथ शेयर किया? इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भैया मैं कहाँ जाऊँगा इसको करने के लिए, अब वो लोग मुझे कहाँ मिले? देखो हर किसी की ज़िंदगी में फैमिली होती है, इन्हें पैसा चाहिए, ये कपड़े भी पहनते होंगे। हर किसी की ज़िंदगी में दोस्त होते हैं, इन्हें भी पैसा चाहिए, कलीग्स, नेबर्स, इन्हें भी चाहिए। अगर ये लोग भी ख़त्म हो जाए तो स्ट्रेंजर, आम आदमी, यहाँ तो बहुत दूर की बात है दोस्त, इन्हीं में बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं हम। अच्छा इन लोगों को ढूंढना आसान है मुश्किल है? इनको पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? इसी में बहुत बड़ा गेम कर गए हम। एक आदमी एक दिन में 10 पेन बेच रहा है, 10 आदमी मिलकर एक दिन में 10 पेन बेचते हैं, 100 बिक रहे हैं, कौन सा ऑप्शन बढ़िया है? 100 मिलके 10 बेच रहे हैं 1000 हो गए, ये 100 बेच रहा है, 1000 मिलके 10 बेचते हैं एक दिन में, ये 10,000 हो गए। क्या ये 1000 पेन अकेला बेच पाएगा? डोंट यू थिंक इट्स ए हार्ड वर्क? और ये स्मार्ट वर्क है। अच्छा नॉर्मल जिंदगी में हम कहाँ पे, ऊपर है नीचे है? कैसे, हाउ? ये इसलिए कि जब अगर नेटवर्किंग के हिसाब से जब बिकेंगे, जितना सेल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली। नॉर्मल जिंदगी में आप कहाँ पे हो? यहाँ पर है, ऊपर है। अच्छा आज अगर इसको कुछ होता है तो ये 0 हो जाएगा सेम डे, और अगर यहाँ एक को कुछ होता है तो ये क्या 0 हो जाएगा? 9 × 10 तो है। इसी को नेटवर्किंग बोलते हैं दोस्त, जिसको देसी भाषा में आदमी मेंबर बनाने का काम कहता है। लेकिन आज ये 4% आदमी नेटवर्क ही बना रहा है यार।
बिट्टू टिक्की वाला जानते हो क्या कर रहा है, वो टिक्की बेच रहा है एक्चुअली, फ्रेंचाइजी दे रहा है। वाजीवा क्या कर रहा है, फ्रेंचाइजी दे रहा है। हीरा स्वीट क्या कर रहा है, फ्रेंचाइजी दे रहा है। हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। होटल वाले क्या कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। आज एक नाम आपने भी सुना होगा, पता नहीं सुना होगा, किंगडम ऑफ मोमोज। वाओ, मोमोज तो सुना था, किंगडम ऑफ मोमोज मेरे सुनूंगा। क्या कर रहे हैं वो, नेटवर्क ही तो बना रहे हैं यार। अब उसने अपनी फ्रेंचाइजी अभी और सस्ती कर दी, मतलब नेटवर्क बनाने के लिए। गाजियाबाद, फरीदाबाद, विकासपुरी स्टार्ट किया था, जनकपुरी छोटे सब्जी मंडी से कर दिया। रीजन है ना यार पहले अकेला काम करता था, आज 10 सेंटर हो गए भाई। 8 घंटे अब ये 8 घंटे नहीं भी करेगी तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो है ना। हमने यही तो किया है, लेकिन कैसे, देखो हम भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। दो तरीके की फ्रेंचाइजी है, एक तो हो गया ट्रेडिशनल लाइक हल्दीराम जैसे आपके सांडू साहब कर रहे हैं, एक हो गया नेस्विज। ये हल्दीराम के सेंटर्स हैं, ये हम लोगों के सेंटर्स हो गए। इनमें और इनमें डिफरेंस ये है कि हल्दीराम की अगर फ्रेंचाइजी आपके पास है तो क्या आपके पास राइट्स है आप मुझे भी दे सकते हो? नहीं, मेरे को लेनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा, हल्दीराम के पास। मैं इसके पास जाऊँगा, 2 CR दूंगा, 4% का रॉयल्टी दूंगा, 30-40 लाख रुपये रेस्टोरेंट में भी लगाऊंगा, लेकिन आपको कुछ मिलेगा। बट दोस्तों मैं आपका था यहाँ पे एक्चुअली में ना, ये राइट्स कंपनी का है, इसको बोलते हैं SLM। क्या बोलते हैं SLM का मतलब है सिंगल लेवल मार्केटिंग, ये पूरी दुनिया जानती है। नेस्विस ने क्या बोला कि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो यार आप इसे रेफर भी कर सकते। मैंने इनको रेफर किया, इनको बेनिफिट, मुझे बेनिफिट, कंपनी को बेनिफिट, यहाँ विन विन सिचुएशन आ गया। और ये खर्चा बोला कंपनी ने मैं कर लूंगी, तुम खाली रेकमेंड कर दो और मैं तुम्हें 5% से 35% तक की कमीशन का मार्जिन भी दूंगी। मुझे लगा यहाँ रहने में बेनिफिट है। रीजन ये वो, ये ना 5% से 35% जो कमीशन है वो कैसे आया वो मैं आपको आगे बताऊंगा ना। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज समझ आई कि यहाँ ना मेरी लायबिलिटी नहीं है, यहाँ पे मेरी लायबिलिटी थी। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ बनाऊंगा हल्दीराम वही है पहले। और ये बुरा नहीं है यार, नहीं बुरा नहीं है नहीं, अगर ये वाला कंसेप्ट अगर इसमें मैच हो जाए सेम है। लेकिन ये कंसेप्ट जो नेस्विस में चल रहा है, हाँ, जो आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर जो भी मतलब अगर कुछ लेना हो तो हल्दीराम के पास जाना पड़ता है, अगर ये अथॉरिटी ये भी देने लग जाए तो हल्दीराम की फ्रेंचाइजी 2 करोड़ की नहीं बिकेगी फिर। इसको बोलते हैं MLM। आज के टाइम पे ना जन ये ट्रेंड है यार, यहाँ हर आदमी की पहुंच नहीं है, इसलिए हर आदमी यहाँ नहीं आ पाता, इसलिए हर आदमी यहाँ आ रहा है। आज काम दोनों सेम कर रहे हैं, ये भी नेटवर्क बना रहा है, हम भी नेटवर्क बना रहे हैं। इसमें बड़ा पेशेंस चाहिए, बड़ा वो चाहिए, इसमें देखो कैपिटल लगेगा, रिस्क भी होगा, ठीक है, और ऑफिस आपको प्रीमिसेस भी चाहिए होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी आपका यहाँ पे, स्टोरेज भी चाहिए होगी यहाँ पे, आपको स्टाफ भी चाहिए होगा, यहाँ लाइबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे मेरी क्या लाइबिलिटी है यार, ये शोरूम कंपनी का, ये जगह कंपनी की, यूज़ कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, किसके लिए, हमारे लिए, मेरे को कोई खर्चा थोड़ी देना है यार। आप अगर यहाँ कहीं बैठे हो, अगर ऐसा हॉल बुक करना है, दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ, कम से कम अगर 4 घंटे भी बुक करते हो ना आप किसी होटल में, यार इतना बड़ा हॉल है, कम से कम आपको 1 लाख रुपए से कम जगह नहीं मिलती। ये जो एक्सपेंसेस की कंपनी के एक्सपेंसेस मतलब क्या, नेस्विस का ही है हमारे लिए, यहाँ आपको सेमिनार होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे विन विन सिचुएशन है और यहाँ लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। अब ये वर्क कैसे करता है, तो जो नेस्विस कंपनी है, ठीक है, ये मतलब प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है या पार्टनरशिप है, कैसे किस तरीके से? अब मतलब हाँ, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है और इसमें पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं जो इस फॉर्म को चला रहे हैं, कंपनी को चला रहे हैं। वो बैकग्राउंड मैं आपको पूरा बताऊंगा, ये कैसे वर्क करती है और कंपनी का क्या बैकग्राउंड है वो मैं समझा दूंगा।
कि किस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है ना। अब ये वर्क कैसे करता है, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने 15,770 में मैन सूट ले लिया, आपको पैसे के बदले प्रोडक्ट मिल गया, साथ में आपको आपके नाम से लाइफ टाइम एक बिजनेस कोड मिल जाता है जिंदगी भर के लिए, फ्रेंचाइजी मिल गई नेस्विस की। अब कंपनी इसके साथ आपको दो सेंटर दे रही है, ये लेफ्ट है ये राइट है, इसको बाइनरी बोलते हैं। कंपनी ने आपको दो सेंटर दे दिए काम करने के लिए कि भैया आपको रेफरेंस कोड आ गया, अब इस पर आप काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, ठीक है। कैसे, अब दो सेंटर दिए, अब आपका काम है खाली रेफर करने का, जैसे सुरजीत ने की बिजनेस हम समझाएंगे, मेरी टीम समझाएगी, सब कुछ हम करेंगे, आप खाली रेकमेंड कर सकते हो, वो भी उन लोगों को जिनको पैसे की ज़रूरत है। अच्छा मैं पूछता हूँ आपसे, क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको पैसा चाहिए? मेरे से जब पूछा गया था ना, मैंने कहा इस मोबाइल में किसी को भी फ़ोन मिला के बोलूँ ना कि पैसा कमाना है तो साला भागा भागा आएगा। अच्छा हमें ज़्यादा नहीं, मैं हाइपरथेटिकली सिचुएशन में कहता हूँ, 10 से बात करी 2 आ जाएंगे, हमें सेंटर 2 मिले तो हमें ज़्यादा नहीं 2 लोग चाहिए, ए और बी, ठीक है। 2 को बिजनेस समझाया, ये लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आए, कंपनी आपको 1,000 रुपये देगी, यहाँ कंपनी पेयर पे इनकम देती है, 1:1, 2:2, 3:3, 4:4 बाइनरी है, ठीक है ना। 2 लोग आए 1,000 आ गए, अब आपका काम खत्म। मान लो ये आप हो, ए ये बी ए, ठीक है, अब इनको भी यही बात समझाएगी, इनके टाइम पे 2 लोगों को रेकमेंड करना है, इन्होंने भी 2 लोगों को रेकमेंड किया, ही विल गेट थाउजेंड, आपको आ गए 2,000, ये आपकी पैसिव अर्निंग है। पेयर हो गए ना, एक पेयर ही हो गया, एक पेयर हो गया, 2 पेयर हो गए, 2,000 आ गए, इनको 1,000 आ गया क्योंकि इनका एक एक पेयर हुआ है। ये पैसिव अर्निंग कैसे है, आपने काम किया था यहाँ तक, आप इन दोनों को लाए थे, इसके बाद इन दोनों ने आके काम किया लेकिन पैसा आपको भी आया, आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे लेकिन पैसा आपको आया। अब इसके बाद हमने, जैसे अक्रम बैठा दुबई में लेकिन हम यहाँ काम कर रहे हैं ना, अक्रम के लिए पैसिव अर्निंग हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे हमने इनकी हेल्प करी, 1,000, 1,000, 1,000, 2,000, 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
एवरी पेयर पे कंपनी 4,000 रुपए दे रही है। अब आपका अगर कोई थर्ड पर्सन आएगा तो या तो इसके नीचे आएगा या फिर इसके नीचे आएगा, बाहर कहीं नहीं जाएगा, दोनों हाथों के नीचे ही बिजनेस चलेगा। जो कमीशन का जो है मतलब जो सेल है मतलब ये सेल होगा हर पेयर जी, हर पेयर से कितना प्रॉफिट आएगा वो आगे क्वेश्चन लग के रखो, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, वो क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पे ये सब करने के लिए ना आपको एक सपोर्ट टीम मिलती है जो आपका 24/7 सपोर्ट कर रही होती है, क्योंकि आप अकेले नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, सारा काम आप अकेले नहीं कर पाओगे, तो सपोर्ट टीम है। जैसे अकरम वहाँ बैठा है, सपोर्ट टीम काम कर रही है ना यहाँ पे, तो अकरम के नीचे तो काम हो रहा है ना यार, हम तो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मैं जॉब से बाहर इसलिए आया क्योंकि ये सपोर्ट टीम थी सर काम करने के लिए, वरना नाइट शिफ्ट में तो जा रहे थे हम, कंपनी में नाइट शिफ्ट ही तो था, 14 साल से नाइट शिफ्ट करी, शाम को 5:30 बजे जाना है। हाँ तो मैंने 14 साल निकाल दिए यार, 5:30 जाना, रात को 2:30 बजे लॉग आउट और 4 बजे अपने घर। उसके बावजूद मैं इस इंडस्ट्री में 3 साल में जॉब से बाहर पता क्यों पाया, सिर्फ इस सपोर्ट टीम की वजह से। अगर ये ना होती तो मैं कभी बाहर ही नहीं आ पाता, ना ही इस इंडस्ट्री में पैसा कमा पाता, क्योंकि अगर मुझे नहीं, जो मुझे लाया था वो मुझे नहीं बढ़ाता ना, तो वो खुद नहीं बढ़ पाता। ला के फायदा नहीं है ना, ला के तो वन टाइम आएगा, उसके लिए थोड़ी समझाएंगे आपको, 1,00,000 रुपए आएंगे तो मुझे फायदा है ना। इसलिए अब यहाँ पे जितनी भी कमीशन है ये वीकली है, ये सेकंड रीजन है मेरी सक्सेस का। पहला रीजन बताया था मार्केट और कॉन्सेप्ट फ्रेंचाइजी, दूसरा रीजन है ये, बताता हूँ कैसे। जॉब में है ना यार, लक्ष्मी माता कितनी बार आ रही है महीने में, साल में बस वीक कितने होते हैं, 52। ये दूसरा रीजन है मेरी सक्सेस का।
पहले क्या हो रहा था, लक्ष्मी माता एक बार आती थी, महीने में चार बार और आने लगी यार, जिंदगी अच्छी होगी या नहीं होगी? मिनिमम 1000 भी लूँ तो महीने का 4 और साल का 52,000 रुपये होता है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर मेरी बेटी की फीस भी निकल गई तो मेरी सैलरी में से 4000 रुपये सेविंग होगी या नहीं होगी? अगर महीने की 4000 सेविंग होगी तो 48,000 रुपये साल का बचाया या नहीं बचाया? इस वजह से हम जॉब से बाहर आए। पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो सैलरी थी वो तो हमारी नीड्स में जाती थी, इसलिए हमें जरूरत थी। मिनिमम की बात कर रहा हूँ 1000, आगे क्या है वो और जो आया वो दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये सेकंड रीज़न है यार सक्सेस का, कि हमने अपनी इनकम को बढ़ाया, इसको बढ़ाया। पहले ये दायरा इतना था, थोड़ा और बड़ा हुआ तो कम हुआ, यहाँ से कम हुआ, ये और बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, होते होते ये छोटा 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 हो गया, नहीं हो गया, ख़त्म नहीं हो सकता ज़िंदगी में, ये तो फैक्ट है। अब यहाँ पे कंपनी ने कैपिंग भी लगा दी यार, कंपनी एक हफ्ते में ना आपके इस बिजनेस कोड पे 135,000 से ऊपर नहीं देगी, ये कैपिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1000 लोग एक हफ्ते में इधर आ गए और 1000 लोग इधर आ गए तो कंपनी आपको 10,00,000 रुपये हफ्ते का देगी, ना। कंपनी ने कैपिंग लगा दी है, कंपनी आपको एक हफ्ते में 135,000 से ऊपर नहीं देगी एक कोड में, मल्टीप्लाई बाय 4 हफ्ते 540,000 आप इस बिजनेस से मैक्सिमम अर्न कर सकते हो एक कोड में। तो लोग 4 वीक, ठीक है ना, हफ्ते की इनकम है ना, 4 हफ्ते 5,00,000। कैपिंग का बेनिफिट है कि आप इस कैपिंग पे तब पहुंच जाते हो कि आप नहीं भी काम करो तो भी आपको इनकम आए। कैसे हो मैं आपको आगे बताऊंगा। कंपनी को 15 साल ऑलरेडी हो चुके हैं इस कैपिंग पे ना, 1000 families हैं। इस कैपिंग तक पहुंचने में 3 से 5 साल मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगते हैं। मैं पहले ये बताने से पहले मैं पूछता हूँ, क्या अपने करंट प्रोफेशन से अगले 5 साल में 135,000 रुपये हफ्ता आ जाओगे? दस साल हफ्ता महीना से पूछा गया था ना, मैंने कहा यार जिंदगी में नहीं, एक होता है कमाना, एक होता है कमाते रहना। जिस सेक्टर में हम लोग थे, अगर साल की ग्रोथ की भी बात करूं तो 5 से 6% ग्रोथ थी हम जिस लेवल पे, ठीक है ना। दस सेक्टर 10% भी लगा लूं, सर जी अगर आप 50,000 भी कमा रहे हो तो अगले 10 साल में कितना हो गया सर? कैलकुलेशन में अगर स्ट्रांग हो तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो नहीं है, लीनियर है ना, लीनियर हर साल 10% का भी आप इंक्रीमेंट लगा लो, स्विच मारोगे 30% स्विच आप हर महीने मारने लगते हैं। यहाँ से ना 3 से 5 साल में पॉसिबल है। कैसे? देखो 135 लेफ्ट 135 राइट, आपके 135 लोग इधर आए 135 लोग इधर आए, आपकी कैपिंग लग जाती है एक हफ्ते में। जब 5000 लोग इधर हों संजय और 5000 लोग इधर हो, ये हर हफ्ते निकालना आसान होगा मुश्किल होगा इनसे? 5000 लोगों से 135, 5000 लोगों से 135 आसान हो जाएगा, इसी के लिए 3 से 5 साल। अच्छी बात बताऊं, ये 5000 लोग आपको नहीं लाने, आपको लाने को 2-4 अच्छे लोग, उनके थ्रू फिर नेटवर्क बढ़ रहा है और आपका नेटवर्क ग्रो। उसमें से भी अगर मान लो कोई लोग जाए, बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। मानो ये रुक गया काम करना, यहाँ पे ये रुक गया, क्या फर्क पड़ता है? ये तो कर रहा है, ये तो कर रहा है, अगर मान लो ये रुक गया तो, लेकिन वो अर्निंग जो यहाँ आएगी वो तो पेयर जब बनेगा तभी आएगा ना। 100 लोग इधर आए, 50 लोग इधर आए, पेयर कितने का बना? 50,000 आ गए। नहीं, आप ये बोल रहे हो कि ये सबका पेयर बनना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि तो लेफ्ट राइट ही मैच करता है। आपका तो लेफ्ट राइट ये है ना दोस्तों, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं, कहीं भी कुछ भी जुड़े, कहीं भी कुछ भी, अगर मान लो ठीक है एक यहाँ से नहीं, इधर से कहीं से भी जुड़े तो वो इधर आएगा, ऊपर आएगा, ही आएगा। पेयर में इनकम है ना,
जैसे कोई भी एक पेयर जुड़े भाई 100 लोग इधर हैं, 100 लोग जैसे अभी अकरम का है, अकरम का ये कहते हैं कि अराउंड एक लेग में 48 के अराउंड हो गए, लेकिन उसको भी वैसा वैसा जैसे कुछ है नहीं। राइट, एक साइड अब देखो, एक साइड तो हो गया ठीक है, इधर बहुत सारे लोग हो गए तो कैरी फॉरवर्ड में पॉइंट पड़े हैं, अब इधर लोग जुड़ रहे हैं, जैसे ही लोग जुड़ते हैं उसको पैसा आना लग जाता है, उसकी मेहनत हाफ हो गई, जहाँ उसको दोनों तरफ काम करना था उसको एक ही साइड काम करना पड़ रहा है बस, एक तरफ तो सुरजीत भाई के साथ ही हो गया, क्योंकि ऊपर से भी तो बिजनेस नीचे ही आ रहा है ना, इस वजह से ग्रोथ हो रही है, यही तो टीम वर्क है। अब एक इनकम और है जिसको बोलते हैं लीडरशिप बोनस, इसको मंथली इनकम भी बोलते हैं। मैं इस बिजनेस में ना संजय अगर आया था, इसको देखकर आ गया था यार, ये थर्ड रीजन है मेरी सक्सेस का, ये बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इनकम यही है। आज अगर हम नेस्टबीज में अगर बात करें ना, सर हो गए जितने भी सुरजीत सर हो गए, सारे लोग सिर्फ इस इनकम के लिए काम करते हैं, ये मलाई है यार, दूध अच्छा है उसके ऊपर की मलाई अच्छी है, मलाई टेस्ट के तो मलाई होती है। सर हम अगर अपनी 35 लाख का पैकेज छोड़ा सर, मैंने 18 लाख का छोड़ा, जब तक मलाई नहीं मिली होगी तो जल्दी छोड़ो, ये बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे, जैसे आज कौन सा मंथ चल रहा है, मार्च चल रहा है ना, हम इस बिजनेस में आए, एक महीने में 6 लेफ्ट 6 राइट करने हैं इस इनकम को एलिजिबिलिटी करने के लिए, एक महीने में 6 लोग इधर और 6 लोग इधर, तो आप एलिजिबल हो जाओगे इस लीडरशिप बोनस के लिए एवरी मंथ, एक महीने में, कभी किसी भी एक महीने, किसी भी महीने में, मतलब सबसे पहले आपको 6 लेफ्ट 6 राइट करना है बोनस एलिजिबिलिटी के लिए, जैसे मार्च चल रहा है तो मैंने मार्च की बात की, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी कंडीशन नहीं है, अगर मार्च में नहीं हुआ था, मार्च में मानो 2 लेफ्ट 2 राइट हुए तो 4 लेफ्ट 4 राइट अगले महीने कर लेना, अप्रैल में कर लेना एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले। अब अप्रैल से क्या होगा, मानो मार्च में 6 लेफ्ट 6 राइट कर लिए, अब अप्रैल से क्या होगा, इन 6 लोगों से 12 लोगों की टीम हो गई, 6 लोगों से 5 का बिजनेस इधर 5 का बिजनेस इधर मिनिमम आता है, तो कंपनी आपको 4,000 रुपये का बोनस भी देती है, मतलब 5 पेयर का 5,000 और 4,000 रुपये का बोनस, 9,000 रुपये कोई भी बंदा इस बिजनेस से मिनिमम दूसरे ही महीने से कमाता है जो काम कर रहा है। हाँ, बड़ी बात यह है कि ये आपको हर महीने मिलेगा, इतना बिजनेस मेंटेन करना है बस। मई में क्या होगा, 11 लोग हो गए, अब 11 लोगों से फिर 5 लेफ्ट 5 राइट फिर 4,000 रुपये, कब तक मिलेगा, 55 पेयर तक, जिस दिन आपके 55 पेयर की टीम हो जाएगी, अब 55 लोगों से मिनिमम 10 का बिजनेस इधर 10 का बिजनेस इधर, ये बोनस बढ़कर हो जाएगा 10,000, मतलब चौथे पांचवें महीने से आदमी इस बिजनेस से 55 बंदे इधर 55 बंदे इधर, बिल्कुल चाहे कहीं से भी कुछ भी सुनो कोई भी, ठीक है ना, तो उसके बाद अब ये 55 लोग से 10 का बिजनेस और 55 लोगों से 10 का बिजनेस, मतलब कोई एक लेग रह जाती है तो उसमें कोई मान लो कोई एक लेग तो जोड़ा दूसरा लेग नहीं जोड़ा, तो उसको पैसा नहीं आएगा, आपको आ जाएगा, क्योंकि आपका तो इधर से पेयर बन रहा होगा ना, 55 पेयर से 10 लेफ्ट 10 राइट ये बोनस बढ़कर हो जाएगा 10,000, ऐसे ये हर महीने 10,000 मिलना शुरू हो जाएगा, अब 110 पेयर तक मिलेगा, अब 110 के बाद 20 का बिजनेस इधर 20 का बिजनेस इधर, ये बोनस बढ़कर हो जाएगा 15,000, ऐसे कंपनी 75,000 रुपये तक बोनस भी देगी मैक्सिमम मंथली, तो 52 वीक, मतलब ये बोनस जो है ये जैसे एक बार इस लेवल पे पहुंच गए तो ये मंथली अर्निंग स्टार्ट होगी, मंथली अर्निंग इतनी स्टार्ट होगी, इतना बिजनेस मेंटेन भी होना चाहिए, मतलब कि हर महीने आपकी इस आईडी के नीचे, अच्छा मतलब एक बार इस पेयर पे 110 पे अगर पहुंच गए और एवरी मंथ 20-20 जुड़ रहे हैं बस, तो 20-20 नहीं जुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बोनस नहीं मिलेगा, इनकम मिलती रहेगी, जितने जुड़ रहे हैं उसकी वीकली इनकम तो मिल ही रही है, मानो अगर 10-10 जुड़े तो बोनस नहीं मिलेगा, 10-10 की कमीशन आ जाएगी 10,000, लेकिन 110 से ऊपर वाला जो है वो भी तभी होगा, 55 लोगों से 10 लोगों का बिजनेस निकालना तो आसान है ना यार, 55 से 10 लोग 110 में टारगेट भी हो जाता होगा उस बंदे का, जिस जो इस रेपीज पे पहुंच गया होगा उसका टारगेट भी हो जाता है कि नहीं 20 को इधर भी 10 और इधर भी 10 जोड़ने,
अच्छा और बात बताऊँ, ये पूरा कैसे होता है, मैं इस बिजनेस में इसको देख कर क्यों आया था ये भी बताता हूँ। पार्ट टाइम में नीचे हेल्प करूँगा तभी आएगा। बड़ी बात। और दूसरी बात बताता हूँ, जब हम मैं पार्ट टाइम में आया था इस बिजनेस में, या मैं हेल्प करूँ मतलब मैं दोबारा नहीं जोड़ सकता, मैं मतलब नीचे जैसे यहाँ है मैं नीचे भी जुड़ जाऊँ? नहीं वो तो जुड़ जाओगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे। अपने सेम नाम से जुड़ सकते हैं, एक आदमी अपने नाम से 3 ID लगा सकते हैं। अच्छा बस इससे उसके बाद अगले साल आप फिर अगले साल फिर एक साल का वेट करो। मैं आपको बताता हूँ ये होता कैसे है। देखो मैं पार्ट टाइम में था, जैसे आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस में, ठीक है, ये कैसे होता है, हमने कहा फुल टाइम तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर हम बोनस पे फोकस करते हैं, पहले महीने मुझे 6 लाख 6 राइट अकेले करना होगा ना पहले महीने, उसके बाद अब बोनस एलिजिबल हो गया, अब मेरे 6 लोगों को भी तो अपना एलिजिबिलिटी के लिए 6 करना पड़ेगा, जब ये लोग अपना 6 करेंगे तो मेरा 5 लेफ्ट 5 राइट होगा या नहीं होगा, जब ये लोग अपना बोनस करेंगे तो मेरा बोनस होगा या नहीं होगा, इसलिए हम इस इंडस्ट्री में आ गए। जैसे हम कहीं ज्वाइन करते हैं, ये बिजनेस जो पर्पस है ये कहीं मेंशन है कि ये कंपनी देगी देगी? हाँ हाँ बिल्कुल, रेम्यूनरेशन प्लान है, प्रेजेंटेशन है, सब कुछ है सर। नहीं कुछ जैसे मतलब जरूरी है, इट्स डिपेंड ऑन कि जो इसका ओनर है वो जब तक चाहेगा देगा, वो नहीं चाहेगा ऐसा नहीं है सर, को बंद कर ले। रेगुलेटरी है सर, हम नॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी कंपनी ना 3 PS पे काम कर रही है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। आपका शुरू में भी एक सवाल था कि ये कंपनी इतना पैसा बांट कैसे रही है, ठीक है, तो है वो ठीक है। देखो 40% अमाउंट कंपनी प्रोडक्ट वालों को दे देती है जिनके साथ टाई अप कर रहा था, 15,000 का एक प्रोडक्ट का 40% अमाउंट प्रोडक्ट में चला जाता है जिनके साथ टाई अप है, कॉस्ट हो गई, प्रोडक्ट वालों के साथ चली गई। इसमें 60% का मार्जिन है, बता रहा हूँ ना, 50% कंपनी प्रॉफिट निकालती है, पे आउट बांट देती है, प्रॉफिट नहीं पे आउट बांट देती है, जो हम लोगों में 1,000-1,000 रुपये बांट देती है। 10% कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी अपने पर 10% रखती है, जो ओनर है हाँ, जो या पार्टनर है हाँ, और भी खर्चे हैं, ये सेमिनार का खर्चा है, शोरूम का खर्चा है, 10% कंपनी इसमें लगा रही है ये सब चीज़ें, ठीक है ना, प्लस 1,35,000 की कैपिंग है। हफ्ते में अगर मेरी ID पे बिजनेस हो रहा है 1,000 लेफ्ट 1,000 राइट, तो मेरा कितना बनता है, 10 लाख, कंपनी मुझे कितना दे रही है, 1,35,000, बाकी पैसा कंपनी खुद रख लेती है, क्योंकि कंपनी को ऊपर से नीचे भी तो बांटना है ना, अपनी जेब से तो कोई नहीं बांटेगा यार, लक्ष्मी माता की बहन थोड़ी है कि बांटे जा रही है, वहीं से तो निकलेगा ना। तो ये एक सिस्टम है जिसकी वजह से कंपनी 15 साल से ऑलरेडी इस सिस्टम को कंटिन्यू रखे हुए है। जैसे आपने स्टार्ट कर लिया, सब कुछ है, ईयरली बोनस आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आप काम करके करते हो, मंथली वो बोनस आ रहा है, सब कुछ है, कंपनी के ऑनर या पार्टनर में डिस्कशन हुआ जो भी हुआ कंपनी को वाइंड अप करते हैं? रीजन तो होगा, बताओ। मतलब हम जुड़ रहे हैं कंपनी से। देखो टेक्निकली बात बताता हूँ, आपको अगर आप टेक्निकली बात बता रहे हैं, पेन देने, टेक्निकली बात बताता हूँ कि कंपनी क्यों नहीं बंद होना चाहती। देखो मान लेते हैं हमारा एवरेज 10,000 का प्रोडक्ट है, ठीक है, हफ्ते में हमारे यहाँ वीकली कमीशन है, कंपनी एक हफ्ते में 1,000 प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है 10,000 का, एवरेज 10,000 समझ लेते हैं, 1,000 × 10,000 कितना हो गया, कितना हो गया सर, जीरो डालो, 1,000 10,000 भाई, ये 3 0 पड़ जाएगी, 1 करोड़ हो गया। अब कंपनी के खाते में कितने पैसे आ गए, 1 करोड़ रुपए आ गए, ठीक है, कंपनी ने इसमें क्या एफर्ट डाला, अगर कंपनी बंद करेगी और कंपनी के खाते में कितने पैसे आए, अच्छा इसमें से 40% कंपनी प्रोडक्ट वालों को दे देगी, क्योंकि जो माल लिया है खुद का तो नहीं, 50% कंपनी पे आउट भी बांट रही है, चलो मैं मान लेता हूँ ये पे आउट नहीं बांटा कंपनी ने, इस हफ्ते नहीं बांटा, बोल दिया भाई लोगों को टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगले हफ्ते बांटेंगे, ठीक है, तो कंपनी के अकाउंट में 50% रह गया,
और 10% तो कंपनी का प्रॉफिट था, मतलब 60 लाख रुपए तो होगा। चलो इनको भी नहीं दिया तो कंपनी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। अच्छा, अब अगले हफ्ते सेम प्रोसेस चला, अभी तक कंपनी ने इन तीनों लोगों को, इन दोनों लोगों को संभाल के रखा। भाई प्रोडक्ट वालों को भी बोल दिया इस समय सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, अगले हफ्ते तुम्हारी पेमेंट आ जाएगी। हम लोगों को भी बोल दिया अगले हफ्ते पेमेंट आ जाएगी। अगले हफ्ते फिर काम कंटिन्यू चला, सेम एवरेज ले लेते हैं, 1 करोड़ फिर आ गया। कंपनी को कितने आ गए? 2 करोड़। अब कंपनी ने सेम प्रोसेस फिर कंटिन्यू रखा, भाई बोल दिया कि अगले हफ्ते देंगे, अभी नहीं सॉल्व हुआ। इसको भी बोल दिया अगले हफ्ते देंगे, नहीं सॉल्व हुआ, ठीक है। थर्ड वीक सेम प्रोसेस चला, 1 करोड़ फिर आ गया। कितने करोड़ हो गए? 3 करोड़। अच्छा, अगर कंपनी कंटिन्यूसली चल रही होती तो हफ्ते का कितना प्रॉफिट ले रही है? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ले रही है। अब कंपनी को मेरे दोस्त बता कि हफ्ते में 10 लाख रुपए प्रॉफिट आने में फायदा है या 3 करोड़ लेके भागने में फायदा है, जिसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, बैठे बैठाए कंपनी को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आता है। सही है, कंपनी भागेगी या रुकेगी? रीजन तो होगा ना कि भागेगी यार। अगर मैं एक बार खाएगा अंडे रोज खाएगा बस, यही बात है। इसलिए तो यार भागना होता तो 1 साल 2 साल 3 साल 15 साल रुक के क्यों नाम खराब करके भागना है? तो पागल थोड़ी है, इतना बड़ा सिस्टम लगा के ऑल ओवर इंडिया में शोरूम खोल के फिर भागेंगे। तो देखो, जिनको भागना होता है ना, मार्केट कम करता है, हम तो डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। कौन है वैसे इसके कंपनी के जो ऑनर है? श्री संतोष चंद्राकर जी हैं, चंद्राकर जी, ठीक है ना। बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं तो ये बाय प्रोफेशन ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर कंपनी रन करते थे जिसका नाम था नेसेंट टेक्नोलॉजीज, आपका NSP में ऑफिस है इनका पुराना, ठीक है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाते थे, जैसे हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं ऐसे ही दूसरी कंपनीज के लिए बनाते थे।